हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनसीन पोयम, यानी कि जो हिंदी वाला भाग है, यानी कि आपका काव्यांश। तो हिंदी में जो है हम गद्यांश कर चुके हैं। सबसे पहले जो हमने ट्रिक बताई थी, ये जो भी अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका था, तो सबसे पहली वीडियो में हमने हिंदी का हमने गद्यांश किया था, जो गद्यांश वाला भाग है। तो इसमें हम करेंगे काव्यांश वाला, जो कि आपकी पोयम यानी कि जो कविता आती है हिंदी में। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। जो आपका गद्यांश होता है वो आपका थोड़ा लॉन्ग होता है पैसेज, लेकिन जो आपकी कविता आती है या आपका काव्यांश आता है वो बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है, सिंपल होते हैं क्वेश्चन। तो इसमें तो 5 मिनट भी नहीं लगने, ये तो उससे भी आसान है, बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देंगे। तो इंग्लिश काम कर चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखे तो वो वीडियो देख लेना, अनसीन पैसेज नाम से जो है एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप YouTube पर सर्च करेंगे अनसीन पैसेज सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, तो वहां पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर सीटेट डायरेक्टर के अंदर आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो है मिल जाएगी, तो वहां से आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। तो उसमें इंग्लिश काम कर चुके हैं, अनसीन पैसेज भी और अनसीन पोयम भी, दोनों के तरीके कैसे सॉल्व करना है, और हिंदी वाले में हम कर चुके हैं आपका गद्यांश वाला, तो आज करने वाले हैं पद्यांश वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी नए हैं चैनल पर, ये पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सीटेट की पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे चल रही है, तो बिल्कुल जो है आप जाके और सारी तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा तरीका वही रहेगा, आप इसमें चाहो तो इसमें तरीका सिंपल भी यूज कर सकते हो, कि आप पहले गद्यांश को पढ़ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है आपका जो ये पोयम है, जो कविता है, जो काव्यांश है, वो छोटा होता है, तो इसमें आपको कम समय लगेगा। अब उसमें हमने उल्टा इसलिए किया था, जो भी तरीका हमने अपनाया था, क्योंकि जो आपका गद्यांश होता है, जो पैसेज होता है, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, और आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन तरीका इसमें भी आजमाएंगे, वही तरीका यूज करेंगे, और इसको भी शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, जो हमारे प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, कवि उन्हें नमन कर रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जहां पे भी नमन वर्ड मिलेगा हमें, वो कहीं ना कहीं हमें ढूंढना है, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे। कविता में बैसाखी का क्या भावार्थ है, तो दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला यहाँ पे, बैसाखी। ऑप्शन जो भी है वो बाद में देखेंगे। तीसरा आपका प्रश्न है, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो, यानी कि सम्मानित वर्ड जहां भी आएगा सदा सम्मानित करता है, तो वो देखेंगे, उसमें ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज है नौसखिया है, यानी कि जो नौसखिया वर्ड है आपका, इसका मीनिंग पूछा है, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं नौसखिया वर्ड आया होगा, उसका मीनिंग इसने पूछा है, तो इसको नोटिस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, कवि के अनुसार उसका जीवन आसान नहीं है, किनका जीवन आसान नहीं है, तो यहाँ पे जहां भी जीवन आसान वाली बात आएगी उसको हम नोटिस करेंगे। तो प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, और प्रश्न नहीं पढ़ने, ऑप्शन नहीं पढ़ने, टाइम बिल्कुल बचाना है, कोई टाइम इतना सभी वेस्ट नहीं करना। तो प्रश्नों को पढ़ने में सिर्फ हमारा 1 मिनट जाएगा, एक भी नहीं जाएगा, 30 सेकंड में प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम काव्यांश को। देखो, हवा चले अनुकूल तो नौसखिए भी खेल लेते हैं, मीनिंग साथ में लेके चलते हैं, मतलब हवा अनुकूल चले तो नौसखिए भी नाव को, यानी कि जो नया सीखने वाले बंदे हैं, कोई भी नया भी खिलाड़ी भी, वो भी नाव को जो है ले जाता है। तो कहने का मतलब यह है, नौसखी यहाँ पर वर्ड मिला, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरा है, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, यानी कि अगर डगर जो है, जो रास्ता है वो सरल हो, आसान हो, तो लंगड़े लोग भी उस पर चल सकते हैं बैसाखी के सहारे, तो यहाँ पे बैसाखी की वर्ड जो है इसको नोटिस कर लेते हैं। आगे आपका, मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, यानी कि ऐसे दीप जो दूसरे चिरागों को रोशन करते हैं लेकिन खुद से मिट जाते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दीप के बारे में ही है, ज्यादा दूसरा कोई वर्ड इंपोर्टेंट नहीं है। नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, तो यहाँ पे नमन कर रहा है कवि जो है उसको, जो लौटा लाते हैं नई बहारों को, यानी कि नई बहारों को जो लौटा लाते हैं। आगे आपका, फैलाकर के हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है, यानी कि किसी के सामने भी आप हाथ फैलाओ और उसके सामने झुक जाओ, तो ये काम जो है बहुत ही इजी है, आसान है। बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझाना आसान है, यानी कि आप नदियां बह रही है तो उसमें से आप पानी पियो, अपनी प्यास बुझा लो, यानी कि दुनिया की जैसी रीति बात चल रही है उसी के हिसाब से आप चलते रहो, आपका जीवन आसान है, बिल्कुल उसी तरह से आप चले जाओगे। नित्य खोद कर कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, यानी कि नए कुएं खोद कर जो दूसरों की प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं, वो लोग हैं जो अब उन्हें हमेशा दुनिया याद रखती है, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, नित्य खोद कर नए कुएं, एक तो ये वर्ड और सदियों तक पूजे जाते हैं, ये वर्ड हमें मोस्ट लगा, तो यहाँ से जो है ये हमने अंडरलाइन कर लिया है, और इसका मीनिंग भी हमने समझ लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं कैसे।
सबसे पहली चीज कवि उन्हें मना उन्हें नमन कर रहा है, तो नमन कहां पे आया है इस वर्ड में हमने अंडरलाइन किया था, नमन उन्हें है जो लोटा लाते हैं नई बहारों को। तो यहां पे इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं हम, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, या फिर लाखों दीपक जलाते हैं, या फिर लहरों पर नाव चला लेते हैं, या फिर सरल मार्गों पर चलते हैं। तो भाई यहां पे जो हमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ऑप्शन लग रहा है वो है पहला ऑप्शन, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। वो उसी के बारे में बात कर रहा है ना, जो सदियों तक पूजे जाते हैं, मतलब जो दूसरों के लिए कुछ करके जा रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहां पे भावार्थ लिया गया है, तो पहला ऑप्शन आ गया राइट यहां पे। दूसरा है कविता में बैसाखी का क्या भावार्थ है, तो भाई बैसाखी है ऑप्शन दिए हैं, एक महीना, या फिर सहारा, या फिर सीढ़ी, या फिर एक फसल। तो बैसाखी का मतलब क्या है, सहज डगर पर लंगड़े बीच हम बैसाखी से लेते हैं, यानी भाई लंगड़े हैं तो वो बैसाखी का यूज जो कर रहे हैं वो सहारे के लिए तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैसाखी का वर्ड मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सहारे के लिए, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हुआ यहाँ पे। तीसरा है समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो, पहला ऑप्शन है प्यासे को पानी पिलाते हैं, दूसरा है अपने कार्यों में से सबका हित करते हैं, तीसरा है सदियों तक पूजे जाते हैं, और चौथा ऑप्शन है आपका नित्य नए गुरे खोदते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं, यानी कि इसका अगर हम भावार्थ निकालें तो इसने ये कहा है नित्य कुएं खोदकर जो सबकी प्यास बुझाते हैं, यानी कि दूसरों के हित के लिए जो काम करते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये एग्जांपल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कुएं खोद के गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग दूसरों के हित के लिए कुछ करके जाते हैं, वो लोग हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं। तो इसमें कहने का मतलब भावार्थ ये निकल रहा है हमारा कि अपने कार्यों से सबका हित करते हैं, वो लोग हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं और सम्मान भी मिलता है उन्हें समाज में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। चौथा आपका प्रश्न है यहाँ पे नौसिखिया है, नौसिखिया का मतलब क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नौ विषय जानने वाला, दूसरा है नए विषय पढ़ने वाला, तीसरा ऑप्शन है नया सीखने वाला, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम उसको शुरू में देखें, हवा चले अनुकूल तो नौसिखिया भी खेल लेते हैं, यानी कि जो नए खिलाड़ी है नए सीखने वाले हैं वो भी नाव को चला लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नौसिखिया जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे वो नए सीखने वाले के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नया सीखने वाला। अब नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है, किसका जीवन, फर्स्ट ऑप्शन है आपका लोगों के सामने हाथ फैलाने वाले का, दूसरा है बैसाखी के सहारे चलते हैं वो लोग, तीसरा ऑप्शन है परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं वो लोग, या फिर स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं वो लोग। तो ये तो स्वार्थी हो गए। तो यहाँ पे जो है उनका जीवन आसान नहीं है जो परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, वो आसान नहीं है। बाकी चीजें तो उसने कहा कि सब आसान ही है, दूसरों के हाथ सामने हाथ फैलाकर सम्मुख झुकना आसान है, बहती हुई नदियों से पानी पी रहे हो वो भी आसान है, और आप जो है ये चीजें तो आसान है दूसरों के सामने, लेकिन जो अपने कठिन परिश्रम से कुछ नया करे, बीती बहारों को भी लौटा लाते हैं, ये नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। तो वो है कि परिश्रम से बीती बहारों को भी लौटा लाते हैं वो लोग, उनका जीवन आसान नहीं होता, उनका जीवन जो है परिश्रम से भरा होता है, कठिन होता है, और वो दूसरों के लिए दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया राइट। तो बस सिंपल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कविता में थोड़े से भाव चेंज होते हैं, मतलब भाव के हिसाब से बनते हैं, ना कि डायरेक्ट जो है वही लाइन, जैसे आपका जो है गद्यांश वाला है उसमें तो आपको लाइन ऐसी की ऐसी लिखी हुई मिल जाती है, तो उसमें शब्द से मिला के मैच करके आप निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा आपको मीनिंग के बारे में सोचना पड़ता है, ज्यादा मुश्किल मीनिंग कुछ नहीं है, भाव एक बार समझ में आ गया कविता का कि वो कहना क्या चाह रहा है, कभी सारे क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गए। तो बस एक बार हल्के से इसको पढ़ो ढंग से और बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, शेयर करो दबा के ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी कैंडिडेट तक पहुंच जाए, सब लोग फायदा उठा सके। और लास्ट में भाई एक बात कहनी थी आपसे, रिक्वेस्ट है छोटी सी, देखो बुरा मत मानना, छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है सिर्फ आपके फायदे के लिए, लेकिन कुछ लोग भाई ज्यादा अगर आप कॉल करोगे, मैंने पहले तो चीज ये है कि सबको कॉल के लिए मैंने पहले मना किया था कि भाई कॉल मत करना, ओनली आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अगर आपको कोई भी जरूरत है, कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ भी है, नोट्स वगैरह चाहिए हो या कोई और भी बात है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और भाई आप एक बार मैसेज कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं हैंड टू हैंड आपसे बातें करूं, आपसे आपके रिप्लाई दूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो पूरे दिन आपको पढ़ाना होता है, तो क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपसे जो है चैटिंग करूं या आपकी पूरी जो है पूरा आपको समझाऊं व्हाट्सएप पे। कुछ लोग हैं जो पूरी की पूरी फोटोकॉपी फोटो खींच खींच के किताबों को भेज देते हैं, सर इसके आंसर बता दो। अब समझो आप इस चीज को, अगर मैं सबके आंसर, इतने सारे लोग हो आप, हजारों की संख्या में हो, लाखों में हो,
हजारों में भी अगर मेरे पास 100 लोग मैसेज करेंगे और उनके जवाब देने लग जाऊंगा ना, तो मेरा पूरा दिन तो उसमें जवाब देने में निकल जाएगा। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई, सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल रही है, पूरी क्लासेस आपको करा रहा हूँ, पूरे दिन आपको सारी क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट नहीं छोड़ता। फिर भी आप अगर ऐसी छोटी छोटी गलत हरकतें करते करोगे ना, तो फिर मजबूरन मुझे अपना व्हाट्सअप बंद करना पड़ेगा, आपका कॉन्टैक्ट मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं नंबर बंद कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो नंबर दूसरा यूज कर लूंगा, लेकिन नुकसान आपका है, आप फिर कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे। अगर जरूरी भी है फिर भी आपको कोई नोटिस कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो भाई ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें, कॉल बिल्कुल ना करें। अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो और पूछो कि क्या हम कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब मैं क्लास कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, बीच में कोई भी कॉल आ जाएगी अचानक से, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है, इरिटेशन होने लगता है, समझ लो माइंड अलग फिर डायवर्ट होता है, वो बहुत बुरी चीजें लगती है। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कॉल ना करें आप। कोई भी बंदा अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है तो सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और व्हाट्सएप पे भी भाई बार बार इतना ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर जरूरी अगर है तब करो। तो आपकी मदद के लिए मैंने कॉन्टैक्ट दिया है, ना कि मुझे अपने आप लोग अगर इस तरह से परेशान करोगे इरिटेट करोगे तो मुझे फिर समझ सकते हो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए प्लीज इस चीज को समझें आप लोग, और रिक्वेस्ट आपसे मतलब ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता है, आपका जवाब नहीं दे सकता। मैं बहुत लोगों के आंसर देता हूँ, सबके देता हूँ, बहुत क्या लगभग सबके, मैं किसी का व्हाट्सअप रिप्लाई ऐसा भी नहीं कि देख के छोड़ दूँ, सबके रिप्लाई देता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। लेकिन टाइम मिलेगा तब, ऐसा नहीं कि हैंड टू हैंड मैं आपको सारी चीज़ों का जवाब दे दूँ, या आप जो है जरूरी चीज़ें पूछें ना कि फालतू की। तो ठीक है, इस चीज़ को अगर आप समझ रहे हैं तो बेहतर है, और उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए भाई वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट करके बता दिया करो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, मैं कमेंट में ही पढ़ लेता हूँ, मैं तो उस पर नई वीडियोस भी बन जाती है आपकी, आप देखते होंगे अगर आपका कोई भी डाउट या कुछ होता है उस पर नई वीडियो बन जाती है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।